यूं तो सरकार सफाई के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के एक ऐसे गांव की जहां का पानी स्थानीय लोगों के लिए मौत का पानी बना हुआ है। इस गांव के लोग दूषित और जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। ये है सहारनपुर का देवबंद इलाका, जहां पिछले 15 साल से हर दूसरे घर में कैंसर ने अपने पैर जमा रखे हैं। और आखिर हो भी क्यों ना, हर दिन यहां फैक्ट्रियों से हजारों टन गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो ट्यूबवेल के जरिए गांव में लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। लिहाजा ये गंदा पानी कैंसर जैसी बीमारियों को बुलावा दे रहा है और सैकड़ों लोग इन गंभीर बीमारियों के चलते जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। समस्या ये है जी, यहाँ गांव में जो नाला है, यहाँ कैंसर की बीमारी, काफ़ी बीमारियाँ फैल चुकी है। मतलब पानी ख़राब हो चुका है यहाँ का। उससे जो मतलब यहाँ पर हमने अवगत कराया था DM साहब को भी, जो विधायक साहब है बलजीत सिंह जी, उन्होंने धमका कर भगा दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली तमाम सरकारों ने इन गाँव में शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की कई बार योजनाएं तैयार की, लेकिन सारी योजनाएं फाइलों तक ही सिमट रह गई हैं। घंटे गांव इलाके में जो प्रदूषित पानी से मौत हो रही है, उस पे क्या किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग? इसके लिए हमने समय समय पर वहाँ पे पानी का सैंपल हमने चेक करवाए हैं, लखनऊ भी हम उस सैंपल को भेजे हैं, और उसमें जो पीने योग्य जो कुछ रिपोर्ट आती है, ना पीने योग्य पानी है, तो उसकी हम नलकूप विभाग को उसकी सूचना देते हैं, वो उनका उनके स्तर से मैनेज होना है। और वहाँ पर अभी तक ये कहीं से हमें रिपोर्ट नहीं मिली है कि इस पानी के कारण कैंसर की प्रोड्यूसिंग कोई सब्सटेंस है। शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते इन गांव के ग्रामीण न सिर्फ प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं, बल्कि प्रदूषित पानी के चलते कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, दर्जनों लोग अकाली मौत के मुंह में समा चुके हैं। बावजूद उसके जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कुमकर्णी नींद सोया हुआ है। गरीबी और लाचारी से जूझ रहे इस गांव के लोगों को इंतजार है कि सरकार इनकी बेबसी समझे और उन्हें मौत की काल में से निकाले। ETV भारत के लिए सहारनपुर से रोशनलाल सैनी की रिपोर्ट।